बिहार अब तक 70 श्रमिक स्पेशल ट्रेन 51 ट्रेन और आने वाली है, और यह कौन कौन सी ट्रेन रहेगी इसका जानकारी आपको हमारे इस वीडियो अपडेट में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो अपडेट। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और आपको कौन सी परेशानी हो रही है और कौन सा आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं एवं कौन से रेलखंड पर आप रह रहे हैं इसका जिक्र आप हमारी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और ध्यान दें कि आने वाले दिनों में रेलवे कई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर सकती है। और इस तरह के तमाम रेलवे न्यूज का नोटिफिकेशन और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उन जरूरतमंदों को इसकी जानकारी मिल सके। 20,670 प्रवासी और छात्रों के साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में चलाई गई 17 विशेष ट्रेन ने बिहार लेकर के इन यात्रियों को राहत दिया है। और बिहार सरकार ने बिहार को विशेष ट्रेन चलाने के लिए कर्नाटक सरकार की अनुमति से इनकार करने के विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह बिल्कुल गलत है और कर्नाटक से लोगों को आने से किसी ने नहीं रोका। वास्तव में दो ट्रेन, एक 3 मई से और दूसरी 6 मई को यहां पहले संचालन शुरू किया गया था और राज्य सरकार ने 8 और ट्रेन को चलाने के लिए सहमति दी थी। इसके लिए रेल मंत्रालय ने सूचना भी जारी कर दिया था। और आने वाले दिनों में 70 श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार आ सकती है, जिसमें कि 51 ट्रेन की सूचना जल्द जारी होने वाली है। आपको बता दें कि 1 मई से 8 मई के बीच 70 ट्रेनों का परिचालन किया गया और कुल 82,545 प्रवासी और छात्र राज्य में विभिन्न स्थानों पर पहुंचे हैं। इसके अलावा 51 स्पेशल ट्रेन का परिचालन और शुरू होगा, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य शामिल होंगे। यानी कि इन सब राज्य से 121 ट्रेन चलाने को लेकर के रेल मंत्रालय विचार कर रही है और जल्द ही कई चरणों में इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो सकता है। बने रहिए आप हमारे इसी चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के रेलवे न्यूज का अपडेट आपको मिलता रहे।